हेलो दोस्तों, एडी स्टॉक न्यूज़ में दिल से स्वागत है आपका। चलिए बेहतर तरीके से जानते हैं बाजार के एक्सपर्ट का क्या कहना है इस स्टॉक को लेकर। कुछ तेजी की पोजीशंस लौटती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन ये पेटीएम पर कई ब्रोकरेजेस का अपग्रेड आया। गोल्डमैन सैक्स 1100 का टारगेट दे रहा है, मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट का कॉल दिया, 695 का टारगेट उनका। उससे पहले हम सीएलएसए की रिपोर्ट की बात कर रहे थे, 650 का टारगेट। और आज जेएम फाइनेंशियल ने भी कह दिया है कि अपग्रेड कर रहे हैं स्टॉक को और टारगेट 600 का। तो चतुर्मोता साहब, बताइए आप लोग क्या खूबियां देख रहे हैं पेटीएम में कि 600 तक के लेवल्स, और क्या उन क्या क्या हाइलाइट्स क्या है? तो देखिए, जो जो सभी इन न्यू एज बिजनेसेस में बात थी कि ये सब लॉस मेकिंग बिजनेसेस थे और कहीं ना कहीं अभी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ने का दायरा शुरू हो गया। हमने देखा है जोमेटो ऑलरेडी पॉजिटिव प्रॉफिटेबिलिटी में आ चुका है, पॉलिसी बाजार में एक टर्न अराउंड हो रहा है। उसी तरह के टर्न अराउंड कुछ पेटीएम में भी डिस्कशन है कि यहाँ पे भी अभी ये रोड जो है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो सबसे बड़ा जो की कंसर्न था कि ये प्रॉफिटेबल होंगे नहीं, वहीं पे उसी के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस है। और क्योंकि जब ये आईपीओ आए थे तो हमने देखा था स्टॉक करीब 2000 के स्तरों पे जा चुका था, आज 500 रुपए पे आपको मिल रहा है, रफली 500 रुपए पे। तो ये 75% के करेक्शन के बाद आपको एक एक डीप डीप डिस्काउंट पे स्टॉक मिल रहा है। और अब क्योंकि रोड टू प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस है तो मेरे ख्याल से एक री रेटिंग यहाँ पर देखने को नजर आएगी। मैंने इस रिपोर्ट के बारे में तो बहुत ज्यादा नहीं देखा, बट ये जो फोकस है पूरा न्यू एज बिजनेसेस पे वो बना हुआ है। और टेक्निकली भी आप देखेंगे तो जो डिप यहाँ पे 460 का एक बेस बनाकर स्टॉक रिकवर हो रहा है, तो मैं मानता हूँ 570-580 की ट्रेजेक्ट्री टेक्निकली ऑल्सो बहुत ही शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर पेटीएम के अंदर देखने को नजर आ सकता है।